सुभान खां। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वो पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी सफेद चमकती रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुसाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी उभरी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है। तो फिर आप पश्चिम मुंह खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? पश्चिम ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे, जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीरथ हैं। हम उन्हीं तीरथों की ओर मुंह करके अल्लाह को याद करते हैं। वे तीरथ यहाँ से कितनी दूर होंगे? बहुत दूर। जहाँ सूरज देवता डूबते हैं? नहीं, उससे कुछ इधर ही। आप उन तीर्थों में गए हैं? देखा, सुभान दादा की आंखों में आंसू डबडब आए। उनका समूचा चेहरा लाल हो उठा, भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले, वहां जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं बबुआ, मैं गरीब आदमी ठहरा ना, इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा हूँ कि कहीं कुछ पैसा बचा पाऊँ और उस पाक जगह की जियारत कराऊँ। उनकी आंखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओतप्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? कर्ज के पैसे से तीरथ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ, अल्लाह ने चाहा तो एक दो साल में इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहाँ जा सकूं। वहाँ से मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइएगा ना। क्या लाइएगा? वहाँ से लोग खजूर और छुआरे लाते हैं। हाँ हाँ, मेरे लिए छुआरे ही लाइएगा, लेकिन एक दर्जन से कम नहीं लूंगा। सुभान दादा की सफेद दाढ़ी मूछ के बीच उनके सफेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुककर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं जरा काम पूरा कर लूं। मजदूरी भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्से भर हैं? बच्चों से वह बहुत खुश रहते हैं बबुआ, वह तुम्हारी उम्र दराज करे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते हैं। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की जरूरत होती है उन्हें बुला लिया जाता है, आते हैं, पांच सात रोज यहीं रहते हैं, काम खत्म कर चले जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा बदन है इनका, पेशानी चौड़ी, भवे बड़ी सघन और उभरी, आंखों के कोनों में कुछ लाली, पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक, नाक असाधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए, वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई, सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में नीम आस्तीन, कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चमरौधा जूता, चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद झरता, भले मानसों के बोलने चालने बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते वो, किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सफेद चमकती हुई दाढ़ी, नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंद कर जब वह मंत्र सा पढ़ने लगते मैं विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनके अल्लाह वहां आ गए हैं। दादा की झपकती आंखें उन्हें देख रही हैं और ये होठों होठों की बातें उन्हीं से हो रही है। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ भी लिया,
सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है? अरे ये क्या कह रहे हो बबुआ, इंसान इन आँखों से अल्लाह को देख नहीं सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब देखता हूँ। आप रोज आधी आँखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदाकर बातें करती हैं। हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप। मैं उनसे बातें करूँगा? मेरी ऐसी तकदीर कहाँ, सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती थी बबुआ। ये बातें कुरान में लिखी है। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल साहब को भी दाढ़ी थी? हाँ हाँ थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहली। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीरथ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। बड़े होने पर जब मुझे दाढ़ी होगी, मैं भी दाढ़ी बढ़ाऊंगा दादा, खूब लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियां कही। मेरा मन बहलाकर वह फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, ये ही दो चीजें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। और काम व अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मजे में डुबकियां लगा सकते थे, चुबकियां ले सकते थे। सबेरे सबेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा, सुभान खां आते ही होंगे। जाने कितने देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था, उनमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक जब तक जनेऊ नहीं हो गया था, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा है और गले में गंडे पहनने पड़े हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता, धूम धड़क्के में किस तरह चार पहर गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघलाने वाली, करुण रस से भरी, दर्द अंगेज घटना छिपी है, उन दिनों उसकी खबर भी कहां थी। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुंच गए, मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव में ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था, पोते पोतियों, नाती नातिनों की भरमार थी उनके घर में। मेरी उम्र के बहुत से बच्चे रंगीन कपड़ों से सजे धजे, सब मानो मेरे ही इंतजार में। जब पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्धी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल छड़ियां दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दिए करबला की ओर चली। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयां उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए, खीर और गोश्त परोसकर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी। उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ, अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी। उनके सा नसीब हम मामूली इंसानों का कहां। ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे वो ध्यान में उन्हें देख